मुझे बताओ, आप लोगों को बोर्ड विजिबल हो गया? अच्छा, एक बार आंसर करो। यस मैम, यस मैम, यस मैम। देखो, आपकी जो थर्ड यूनिट है वो है थ्योरी ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, आप लोगों ने देखो सेकंड ईयर में जब आपने थर्ड सेम में एक्सपेरिमेंट्स किए थे, आपने क्या किया था? ऑर्गेनिक एनालिसिस करा था, है ना? प्रैक्टिकल किया था हमने। कैसे किए थे? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे, उनके स्पेसिफिक टेस्ट होते थे, एक स्कीम हम फॉलो करते थे, है ना? जैसे आपने ऑर्गेनिक एनालिसिस किया है, आप ऑर्गेनिक एनालिसिस में अननोन कंपाउंड्स या अननोन एटम्स फाइंड आउट करते थे, कि हम आपको कोई कंपाउंड दे देते थे, आपको पता लगाना होता था कि ये कंपाउंड कौन सा है। तो आप सबसे पहले क्या पता लगाते थे? उसके अंदर के एटम्स पता लगाते थे। कैसे? जैसे देखो, पहले आप नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्ट करते थे, फिर आप फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करते थे। फंक्शनल ग्रुप से आइडिया हो जाता था कि आपको किस रे कौन से कंपाउंड्स होंगे, फिर मेल्टिंग पॉइंट निकाल के आप चेक करते थे कि पर्टिकुलर कौन सा कंपाउंड है, और फिर उसके स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं और फिर उसका डेरिवेटिव बनाते हैं। एंड ये आपकी प्रोसीजर होता है ऑर्गेनिक एनालिसिस का। अब अगर हम कहें कि हमने ऑर्गेनिक एनालिसिस कंप्लीट पढ़ ली, अब बात आती है इनऑर्गेनिक एनालिसिस की, कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी तो एनालिसिस होना चाहिए। अगर आपको लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड देते हैं, है ना? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो आप लोगों को पता ही है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं आपके? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन वाले। इनऑर्गेनिक कौन से? जिनमें मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स हो, है ना? ये वाले जो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इनकी इसी तरह आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है, इसी तरह इनके टेस्ट कर करके देखकर ये पता लगाना कि कौन सा कंपाउंड है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एनालिसिस। अब किसी भी केमिकल सब्सटेंस की एनालिसिस करना, ये किसकी ब्रांच है? एनालिटिकल केमिस्ट्री की। जैसे केमिस्ट्री की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आपने पढ़ ली, आपने जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ी, है ना? और नेक्स्ट ईयर में आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ोगे, स्टीरियो केमिस्ट्री आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी, सॉलिड स्टेट पढ़ी। तो ये क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट सब ब्रांचेस हैं आपकी केमिस्ट्री की। तो अब एनालिटिकल केमिस्ट्री भी इसी तरीके से क्या है? एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो सिर्फ क्या देखती है? एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस। जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, तो हम दो टाइप से एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो हम ये पता लगाएं कि कौन सा कंपाउंड है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, कि उस कंपाउंड का नाम क्या है ना, नेम से, कि ये कंपाउंड कौन सा है। दूसरा क्या है कि उसका नंबर क्या है, यानी डिटरमिनेशन ऑफ कंसेंट्रेशन या फिर रिलेटिव अमाउंट ऑफ वन और मोर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द स्पीसीज। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिफरेंस है। जब आप किसी के नाम की बात करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे किसी सब्सटेंस की, तो वो आपकी कौन सी ब्रांच जाएगी? क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब आप उसी सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन या उसका रिलेटिव अमाउंट निकाल लोगे कि वो कितना प्रेजेंट है, तो वो कब किस में जाएगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। देखो, इसका डिफरेंस समझने के लिए आप नाम से देखो, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब हम क्वांटिटी की बात करेंगे, यानी नंबर की बात करेंगे कि रिलेटिव अमाउंट कितनी है, और क्वालिटेटिव की बात करते हैं यानी क्वालिटी कि वो कैसा है, वो क्या है। तो दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, ये है आपका जनरल इंट्रोडक्शन, क्योंकि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? क्वालिटेटिव भी, क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव को स्टार्ट करने से पहले हमें कंप्लीट क्वालिटेटिव की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखो, आपको पता लगाना है कि कितना कंसंट्रेशन है, लेकिन किसकी कंसंट्रेशन? तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि वो है क्या, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। तभी क्या करोगे? आप उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर पाओगे, तभी आप उसका नंबर पता लगा पाओगे। अब आपके जितने भी सब्सटेंस हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो क्या होता है? दो पार्ट्स से मिलके बने होते हैं, है ना? हर सब्सटेंस में दो पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने ले लिया, NaCl। अब NaCl में दो पार्ट है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव यानी कैटायनिक पार्ट, नेगेटिव यानी एनायनिक पार्ट, यानी
एक पार्ट पॉजिटिव होता है, एक पार्ट नेगेटिव होता है, दोनों कंबाइन होकर आपका क्या बना लेते हैं, सब्सटेंस बना लेते हैं। अब हम जब एनालिटिकल केमिस्ट्री में मूव करते हैं तो हम इनको एक नया नाम दे देते हैं। आपका जो भी साल्ट होगा उसका जो कैटायनिक पार्ट होगा हम उसे क्या नाम दे देंगे, बेसिक रेडिकल, ठीक है, और जो नेगेटिव पार्ट होगा उसका हम नाम क्या दे देंगे, एसिडिक रेडिकल। अब ऐसा क्यों कर रहा है, देखो आपका सोडियम है, मेटल है, मेटल का जनरल नेचर क्या होता है, एसिडिक बेसिक होता है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है, क्या आपने क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड कहीं सुना है, नहीं ना। तो ये जो हाइड्रोक्साइड यानी जो आपके बेसिक जो बेस है वो जनरली किसके होते हैं, मेटल के होते हैं, और मेटल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करते करते हमने क्या किया है, कैटायनिक पार्ट को क्या नाम दे दिया है, बेसिक रेडिकल, और नेगेटिव पार्ट को हमने क्या नाम दे दिया है, एसिडिक रेडिकल। समझ में आया? यस मैम। अब जब भी हम एनालिसिस की बात करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनालाइज करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, कैटायन या एनायन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। ठीक, आपकी थर्ड यूनिट में एसिडिक रेडिकल की एनालिसिस है, फोर्थ यूनिट में आपकी बेसिक रेडिकल की एनालिसिस है। ठीक है, यानी आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री की दो यूनिट्स हो गई, थर्ड और फोर्थ। थर्ड में आप एसिडिक कर लोगे, फोर्थ में आप बेसिक पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, केमिस्ट्री ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरियस एसिडिक रेडिकल, यानी आपको डिफरेंट डिफरेंट एसिडिक रेडिकल्स देखने हैं कौन कौन से होते हैं और उनको हम कैसे एनालाइज करते हैं, क्या एनालिसिस करनी है। एनालिसिस मतलब अब जितने भी एसिडिक रेडिकल्स हैं उनके कुछ टेस्ट होंगे और आपको वो टेस्ट स्टडी करने होंगे। अब एसिडिक रेडिकल होते कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो कार्बोनेट आयन, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, SO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ऑक्सलेट आयन, ठीक है, इस क्रोमेट आयन, आपके जो ये डिफरेंट डिफरेंट नेगेटिव टाइप के एनायंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। अब ऐसे तो देखो एसिडिक रेडिकल बहुत सारे होंगे वर्ल्ड में, है ना, कि दो चार थोड़े से एग्जांपल तो मैंने यही लिखे हैं, इसके अलावा भी आपके बहुत से हो सकते हैं, जैसे देखो साइनाइड आयन, ठीक है, और साइनेट आयन, हाइपर क्लोरेट आयन, ठीक है, जितने ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ये सब आपके हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो अब हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि भाई एक एक हम ले उसका टेस्ट करें, एक टेस्ट ले फिर उसका टेस्ट करें। ऐसा तो मान लो आपको कोई कंपाउंड दिया और आपको कोई स्कीम ही ना मिले, और आपको आप इनके टेस्ट करो, आप उनके सीधा स्पेसिफिक टेस्ट करने लग जाओ, तो पता नहीं आप कितने सारे टेस्ट कर लोगे, लेकिन जो मेन टेस्ट है आपको करोगे ही नहीं, है ना। तो कुछ क्राइटेरिया हमें चाहिए कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, तो इसलिए हमने क्या किया, एसिडिक रेडिकल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब तीन कैटेगरी में हमने कैसे डिवाइड किया है, कि आपका जो भी आपको कंपाउंड मिलेगा आपको उस पे टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करोगे, सबसे पहले आप करोगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। इसमें क्या करना है आपको, अगर आप के पास जो कंपाउंड है, ठीक है, अगर आप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो, ठीक है, या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर दो, और वो क्या करें उसमें डिसॉल्व होके, ठीक, आपको उसमें डिसॉल्व हो जाएं वो। मान लो आपने आपके पास कोई इनऑर्गेनिक साल्ट लिया आया, आपने उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया, अगर वो डिसॉल्व हो गया तो इसका मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप में। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट है आपका कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, भाई डाइल्यूट से नहीं डिसॉल्व हुआ तो आपने क्या ऐड करके देखा, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर उसमें वो डिसॉल्व हो गया तो दैट मींस वो आपकी किसमें आ गया, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। ऐसे अगर मान लो डाइल्यूट में भी नहीं हुआ, कंसेंट्रेटेड में भी नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करोगे, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, आपकी थर्ड कैटेगरी में। इस बेसिस पे हमने तीन कैटेगरी डिवाइड कर दी। कैसे डिवाइड की, पहले करी डाइल्यूट H2SO4 में करके देखा, डिजोल्व हो गया तो इस कैटेगरी का, नहीं तो फिर कंसेंट्रेटेड से करके देखी, कंसेंट्रेटेड में आ गया, उसमें भी नहीं आया, फिर थर्ड कैटेगरी में वो अपने आप चला गया। तो जनरली जितने भी हम यूज करते हैं या जनरली भी हमारे प्रैक्टिकल पर्पस से हैं, उन्हें हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया।
तो देखो फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन से आ जाते हैं, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव क्या होता है, सल्फाइड, और S2 नेगेटिव क्या होता है, सल्फाइड। ठीक है, इसलिए मैंने साथ साथ लिखे हैं, आप लोगों को इनका डिफरेंस क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या आता है, थायोसल्फेट, S2O3 2 नेगेटिव, फिर नाइट्राइट, हाइपोक्लोराइट, साइनाइड, साइनेट। ठीक है, ये आपके कौन से ग्रुप्स हैं, डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप, यानी अगर आपके पास जो आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, या और प्रिसाइजली कहें आपको जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिलेगा, अगर उनमें एसिडिक रेडिकल ये होगा तो वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो फिर हम किस में करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, ठीक है, और टार्ट्रेट, एसीटेट। अब आप देखो नाइट्रोजन के भी दो ग्रुप्स हैं, है ना, कौन कौन से, नाइट्राइट और नाइट्रेट, वो दोनों अलग अलग ग्रुप में आ रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। जिन चीजों में आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं अभी आपको पहले ही क्लियर करती जा रही हूँ। देखो नाइट्राइट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिसोल्व हो रहा है, ठीक है, और आपका जो नाइट्रेट है वो किस में हो रहा है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। अब जो इन दोनों में डिसॉल्व नहीं होगा उसे हम किस में डाल देंगे, थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में जो ना तो डाइल्यूट में डिसॉल्व हो ना कंसनट्रेट में, वो कौन से हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, आर्सेनेट, बोरेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट और आयोडेट। ठीक है, इतना समझ में आया, अच्छा अब आपको क्या करना है, आप आपने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर ली, यानी आपको पता चल गया कि आपके एक थोड़ी सी हेल्प हो गई कि भाई पहले सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि वो कौन से ग्रुप में आ रहा है, 1 2 3 में। फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो वो वन ग्रुप में आ रहा है, तो हम उस वन ग्रुप में जितने भी आयंस प्रेजेंट है उनके हम इंडिविजुअल टेस्ट करके देख लेंगे, जो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा दैट मींस वो हमारा एसिड रेडिकल प्रेजेंट है। यानी इससे क्या हो गया, हमें थोड़ी सी हेल्प होगी। अब हमें सारे एनायंस के टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें वही टेस्ट करने हैं जिस ग्रुप में वो प्रेजेंट है। मान लिया वो ग्रुप वन ग्रुप में प्रेजेंट है, जैसे मान लो देखो वो इस ग्रुप का है, तो हमें सिर्फ इन एनायंस के टेस्ट करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट है तो सिर्फ इन आयंस के, और ऐसे ही अगर थर्ड ग्रुप में है तो सिर्फ इन एनायंस के टेस्ट करके हम चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सीक्वेंसली हर अनायन का टेस्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ अनायंस के एक टेस्ट है, कुछ अनायन के एक से ज्यादा भी टेस्ट है। देखो वही बात आ जाती है कि सबका एक 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 टेस्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, रिएक्शंस कंप्लीट करनी आनी चाहिए। दूसरा, जितने भी नेम टेस्ट हैं जिनका नाम है, ठीक है, नेम टेस्ट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है पूरे टेस्ट आपको लर्न करने के, क्योंकि यही सेम टू सेम आपके फिफ्थ सेम के प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये बिल्कुल इनऑर्गेनिक एनालिसिस एज इट इज आपकी उठा के फिफ्थ सेम में एज ए प्रैक्टिकल आ जाएगी। तो आप लोग अब अच्छे से कर लोगे तो प्रैक्टिकल में भी आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साथ साथ इनके टेस्ट याद करते रहना और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना है। ठीक है, जैसे देखो टेस्ट फॉर कार्बोनेट है, अब आपने कार्बोनेट को क्या करा था, डाइल्यूट एसिड में डिजोल्व किया था, ये डिजोल्व हो गया था, इसका मतलब आपका ये फर्स्ट ग्रुप में है। अब आपको कार्बोनेट्स के बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपके अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट होते हैं, और अमोनियम यानी कार्बोनेट है, अमोनियम आपको पता है ना, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, यानी NH4 ट्वाइस CO3, ये जो आपका साल्ट होगा, और प्लस अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट होंगे, यानी सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो ये वाले कार्बोनेट होंगे ये क्या होंगे, वाटर में सोल्यूबल होंगे। इसके अलावा जितने भी कार्बोनेट होंगे वो वाटर में इनसोल्यूबल होंगे। कौन कौन से हो जाएंगे इनसोल्यूबल, जिंक कार्बोनेट, आयरन के कार्बोनेट्स, निकल के कार्बोनेट्स, वो सारे क्या हो जाएंगे, वाटर में इनसोल्यूबल।
अब देखो अभी हम कह रहे थे ना कि कार्बोनेट को हमने डाइल्यूट एसिड में जब डिजोल्व किया तो क्या हुआ। देखो आपने कार्बोनेट को एसिड में डिजोल्व किया यानी उसे एच पॉजिटिव मिले, एसिड से एच पॉजिटिव ही मिलते हैं, तो कार्बोनेट एच पॉजिटिव से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, देखो CO2 गैस रिलीज कर देगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल दे देगा। अब आप यूं बताओ अगर किसी टेस्ट में आपके CO2 गैस इवॉल्व होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा, आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो CO2 गैस इवॉल्व होती है तो क्या होता है, कर सकते हो ना आइडेंटिफिकेशन। ये तो आपने ऑर्गेनिक एनालिसिस में भी करा है कि जब आपके किसी रिएक्शन में CO2 गैस इन्वॉल्व होती है तो एफरवेंस निकलती है, याद है आपके पास बाइकार्बोनेट का टेस्ट भी है। ना ये बात तो याद है ना। याद है यस मैम। तो देखो इसी रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, आपका कार्बोनेट जब एच पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CO2 गैस रिलीज हो रही है प्लस H2। अब आप कहो कि मैम एफोवेंस तो निकलती है लेकिन हम कंफर्म करना चाहते हैं कि CO2 गैस निकल रही है, तो आपको एक बहुत कॉमन और बेसिक रिएक्शन याद होगी। अगर हम CO2 गैस अगर कहीं किसी रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है और हम चेक करना चाहते हैं कि वो CO2 गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं, तो हम क्या करते हैं उसमें लाइम वाटर ऐड कर देते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या हो जाता है, मिल्कीनेस आ जाती है। आपको याद है लाइम वाटर में ये आपके 10th में रिएक्शन आ जाती है, क्विक लाइम में जब CO2 आप गैस निकालते हो तो व्हाइट कलर की मिल्कीनेस आ जाती है, ठीक है। ये वो सेम रिएक्शन है, यानी आपने क्या किया, आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, आपने फॉर जनरल मान लिया कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोनेट प्रेजेंट है, आपने क्या किया एसिड ऐड किया, ठीक है। अब आप टेस्ट कर रहे हो कार्बोनेट के लिए, आपको उस एफरवेंस से निकलते हुए दिखाई दिए, तो आपने क्विकली क्या किया उसमें लाइम वाटर ऐड कर दिया यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या आएगी, मिल्कीनेस आ जाएगी, तो डेट मीन्स कार्बोनेट प्रेजेंट है। और नेक्स्ट टेस्ट क्या कर सकते हो आप कर सकते हो बैरियम क्लोराइड का या फिर कैल्शियम क्लोराइड का। कैसे, देखो बैरियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड आपके कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं आपके, बैरियम कार्बोनेट बना लेते हैं, ठीक है। ये एक इनसोल्यूबल कार्बोनेट है और इसके PPT आपको टेस्ट ट्यूब में अलग से दिख जाते हैं, +2 Na₂, यानी बैरियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम या फिर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। दोनों यही रिएक्शन शो करते हैं, अगर आप इनको कार्बोनेट में ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, PPT मिल जाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट आपका कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट कैसे करोगे, आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डाल देनी है, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिल्वर कार्बोनेट के PPT मिल जाएंगे +2 NaNO₃। अब देखो जैसे मैंने ये टेस्ट लिखा, फिर मैंने इसके नीचे क्या लिख रखी है, इसकी आयनिक रिएक्शन। देखो जैसे हमने लास्ट वाली रिएक्शन भी करी, आपको पता है इसमें आयनिक रिएक्शन है, हम क्या करते हैं, देखो Ba₂ पॉजिटिव बन क्या रहा है, एक्चुअली CO₃₂ नेगेटिव से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, BaCO₃। तो आपके पास होना चाहिए कार्बोनेट के टेस्ट, समझ में आए। यस मैम। फिर आता है देखो आपका टेस्ट फॉर बाइकार्बोनेट, ठीक है। पहली बात, एक तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में सबको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था प्रैक्टिकल में बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का डिफरेंस नहीं था, उन्होंने गलत बताया था, और मेनली वो वही थे जो क्लास अटेंड नहीं करते थे। आगे से अगर किसी ने ऐसे किया ना तो उसके
देख लेना, टेस्ट में मार्क्स काटूंगी मैं, ठीक है? देख अब मैं दे बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। ये क्या है आपका? कार्बोनेट, CO3 2-, ठीक है? एच CO3-, ये क्या है आपका? बाइकार्बोनेट। ये कार्बोनेट, अगर उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? बाइकार्बोनेट। आज के बाद कोई भी इस चीज में मिस्टेक नहीं करेगा, ठीक है? अब देखो, जो आपके बाइकार्बोनेट्स हैं उनकी जनरल रिएक्शन सिमिलर होती है कार्बोनेट्स की। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट में आपने एसिड ऐड किया, डाइल्यूट एसिड आपने किया, तो क्या मिलेगा आपको? वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज हो जाएगी और क्या बन जाएगा? Na+SO4+ वाटर, ठीक है? ये रिएक्शन लेकिन आपकी कब होगी? जब हम इस रिएक्शन को बॉयल करेंगे, ठीक है? ये रिएक्शन आपकी कब होती है? बॉयलिंग पे। देखो, जैसे आपका 2HCO3 है, वो बॉयल करने पर क्या बना लेता है? कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाता है। अब इनके स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ेंगे हम कि बाइकार्बोनेट को भाई, ये तो हमें पता चल गया कि जब हमने एसिड में उसे डिजोल्व करके देखा कि ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है, जब हम उसे क्या करते हैं? बॉयल करते हैं, यानी कार्बोनेट डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। लेकिन अब कौन सा है तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो हमारे बाइकार्बोनेट के कौन कौन से स्पेसिफिक टेस्ट है? मैग्नीशियम सल्फेस टेस्ट और कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट। मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट कैसे करोगे? देखो, आप अपने सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या करोगे? मैग्नीशियम सल्फेट सिंपली ऐड कर दोगे, ठीक है? आपने ऐड किया, क्या प्रोड्यूस करेगा? देखो, MgHCO3 2+Na2SO4। अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को थोड़ी सी हीटिंग देनी है। जैसे ही आप हीट दोगे, जो तो ये आपका मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट जनरेट हो रहा था, जब आप इसको हीट दे दोगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बना लेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट के व्हाइट PPT बना लेगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल और CO2 गैस को रिलीज कर देगा। यानी बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमने मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करा अपने सॉल्ट में, उसको थोड़ा सा बॉईल करा, अगर उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट के व्हाइट PPT प्रेजेंट आते हैं तो दैट मींस बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। देखो, नेक्स्ट टेस्ट कैसे करना है? कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट, ये भी ऐसी है। आप अपने सॉल्यूशन में देखो, कैल्शियम क्लोराइड ऐड करोगे, CaCl2+NaHCO3, कैल्शियम क्या करेगा? ये जो आपका क्लोराइड आयन है इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा, क्या बना लेगा? CaHCO3+2NaCl। देखो, यहाँ से आप ऐसे NaCl तो दिख रहे हैं, सबसे पहले NaCl निकाल दिया। तो सबसे पहले जो सिंपल सॉल्ट निकल रहे होते हैं ना, वो आपके बनते हैं बाई प्रोडक्ट्स में। आपका ये बना, अब आपने क्या किया, फिर इसको हीट किया, हीट किया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में डिकम्पोज होता है और CO2 गैस निकालता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो, आपको एक जनरली जो आपको हेल्प करेगी, जहां भी आपका मेटल का बाइकार्बोनेट बन रहा हो, ठीक है, और अगर आप उसको हीट दे दो, हीटिंग दे दो, यानी आप उसको क्या दे दो? एनर्जी दे दो, हीट दे दो या बॉयल कर दो, तो क्या होगा? वो उस मेटल के कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। और कार्बोनेट के आपको कैसे PPT मिल रहे हैं? व्हाइट PPT+ वाटर मॉलिक्यूल और CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो ये आपकी क्या आ गई? जनरलेशन आ गया, आपके पास पॉइंट आ गया नोट करने के लिए कि बाइकार्बोनेट्स की रिएक्शन होगी, दो रिएक्शन है, मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड की, और जब हम इनके किसी मेटल के बाइकार्बोनेट बनाओगे और आप उन्हें हीट कर दोगे तो क्या होगा? वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमें व्हाइट PPT देंगे प्लस वाटर मॉलिक्यूल और CO2 गैस रिलीज करेंगे। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है आपके टेस्ट फॉर सल्फाइड। देखो, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? SO3 2-, ठीक है? इस अनायन को बोलते हैं सल्फाइड। जैसे Cl- को क्लोराइड बोलते हैं, Br- को ब्रोमाइड बोलते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं SO3 2- को सल्फाइड, ठीक है? देखो, क्या होता है आपका सल्फाइड आयन में,
आपके जो अल्कली मेटल्स के सल्फाइड होते हैं और अमोनियम के सल्फाइड्स होते हैं, वो जनरली सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। जैसे अब आपके कार्बोनेट्स थे अल्कली मेटल के और किसके, अमोनियम के, वो सोल्यूबल थे। इस तरह सल्फाइड भी आपके क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जितने भी अदर मेटल्स के सल्फाइड हैं, या तो वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं या इनसोल्यूबल होते हैं। स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो, और इनसोल्यूबल तो आपको पता ही है, जो बिल्कुल भी डिसोल्व ना हो, ठीक है। अब देखो आपका जो सल्फाइड्स है वो क्या, कैसे टेस्ट करते हैं। आपने क्या किया, सल्फाइड सॉल्यूशन में H2SO4 ऐड किया, तो आपका सोडियम सल्फाइड मिलेगा, H2O गैस मिलेगा, और क्या मिलेगी, SO2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी, यानी ये गैस आपकी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो मेनली अब हम इस गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, SO2 गैस को हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास K2Cr2O7 का पेपर हो जिसको हम एसिडिफाई करते हैं विद डाइल्यूट HCl, और इस गैस के ऊपर प्लेस करते हैं, तो वो पेपर क्या होता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जब K2Cr2O7 आपकी H2SO4 के साथ एसिडिफाई कर दिया आपने, उस पर H2SO4 स्प्रे कर दिया या H2SO4 की ड्रॉप्स डाल दी, फिर जब ये दोनों आपके SO2 गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो देखो क्या बना लेते हैं, K2SO4, यहाँ से K2SO4 बना लिया, ठीक है, और क्या किया, H2O निकाल लिया। फिर आपका क्या बनता है, क्रोमियम सल्फेट Cr2SO43। अब ये जो क्रोमियम सल्फेट बनता है, ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो इसलिए ये आपका एक स्पेसिफिक अच्छा टेस्ट है। अब आप इसको लैब में करोगे कैसे, सिंपली आपको जो कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, आप उसमें क्या ऐड कर दोगे, H2SO4 गैस कर ऐड कर दोगे, ठीक है, तो उसमें Na2SO4 प्लस H2SO2 गैस निकलेगी। अब उस SO2 गैस की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, एक क्रोम K2Cr2O7 का पेपर लोगे, ठीक है, उसके ऊपर डाइल्यूट H2SO4 स्प्रे कर दोगे, डाइल्यूट H2SO4 की ड्रॉप्स डाल दोगे और टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखोगे। अब जैसे वो SO2 गैस रिलीज होगी और उस पेपर से क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, तो आपको क्या करेगी, वो पेपर अगर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर क्रोमियम सल्फेट ग्रीन कलर आ जाता है, तो दैट मीन्स आपका सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। और क्या टेस्ट कर सकते हैं हम इसके, देखो जैसे Na2SO4 में आप बेरियम क्लोराइड ऐड कर दो, इस टेस्ट का नाम है आपका बेरियम क्लोराइड टेस्ट। आपने बेरियम क्लोराइड ऐड करिया, तो देखो क्या बना लेगा, NaCl बेरियम सल्फेट। अब जो ये वाइट बेरियम सल्फेट बना है, इसके क्या होते हैं, वाइट पीपीटीज होते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप इन वाइट पीपीटीज से भी आगे कंफर्म कर सकते हो इसमें सल्फाइट है या नहीं। कैसे, आप क्या करो, ये जो बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटीज मिले हैं, इनमें HCl ऐड कर दो, तो क्या होगा, बेरियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2 बनेगा, SO2 गैस मिलेगी। SO2 गैस को हम फिर इस मेथड से कंफर्म कर सकते हैं, या फिर हम और क्या करें, बेरियम सल्फाइड में H2SO4 ऐड कर दें, तो क्या बना लेंगे, बेरियम सल्फाइड HO2 H2O प्लस SO2 ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस एक रिएक्शन आपको अलग से करनी है, KMnO4 में H2SO4 ऐड करना है, तो आपको पता है जब KMnO4 H2SO4 से ऐड करता है तो हमें क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। कैसे, KMnO4 H2SO4 रिएक्ट से रिएक्ट करके बना, क्या बनाता है, K2SO4 MnSO4 प्लस वाटर, और क्या देता है, 5 नेसेंट ऑक्सीजन। अगर हम ये रिएक्शन में जो हमारी 5 नेसेंट ऑक्सीजन मिल रही है, जब हम ये दोनों टेस्ट ट्यूब, ये जो ऑक्सीजन हमें मिली, अगर हम इसे SO2 के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाते हैं, H2SO4। अब ये तो सारी रिएक्शन होती है, हमें क्या होता है, हम जब इस प्रेसिपिटेट में, ये हमारे पास प्रेसिपिटेट मिलेगा, इसमें हम क्या करते हैं, H2SO4 ऐड करते हैं, उसके अंदर फिर हम KMnO4 ऐड करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो ये वाइट पीपीटी मिले थे ना, इनका कलर डीकलराइज होने लगता है, ये वाइट पीपीटी क्या करने लगता है, डीकलराइज मतलब डिसअपीयर से होने लगते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड डीकलराइज एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन।
आपका पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन का बताओ कौन सा कलर होता है? कि MnO4 का कलर पता है सबको? टाइट्रेशन करी है ना, कि MnO4 का कलर बताओ। पिंक हाँ पर्पल हाँ पर्पल कलर होता है। हाँ, अब अगर मान लो मैं उसके अंदर सॉल्यूशन डाल दूँ बेरियम सल्फेट का, ठीक है, बेरियम सल्फेट के मेरे पास PPT थे, मैंने उसके अंदर वो सॉल्यूशन में डाले, H2SO4 उसमें ऐड करी, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये सारी रिएक्शन उसके अंदर होंगी उसका कलर क्या होने लग जाएगा, डीकलराइज होने, डीकलराइज मतलब उसका कलर फेड होता जाएगा, आपका जो वो वायलेट कलर है वो क्या होएगा, फेड होता जाएगा। अब आपका कलर फेड होता गया तो आपको कंफर्म होगा कि आपके सल्फाइड प्रेजेंट है। आया समझ में सल्फाइड का टेस्ट? यस मैम। तो आज हमने 3 कंपाउंड्स के टेस्ट करे, कार्बोनेट के, बाइकार्बोनेट के और सल्फाइड के। आपको इन तीनों को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है, और साथ साथ लर्न करना है, ठीक है ना, साथ साथ आपको इनको लर्न करते चलना है, वरना लास्ट में बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे पर आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए साथ साथ थोड़े थोड़े धीरे धीरे करते हुए चलना है, ठीक है? समझ में आया आज के टॉपिक्स? यस मैम। ओके।